सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई वडोदरा के रेलवे स्टेशन से। हमने यहाँ से ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए। हमारी ट्रेन थी 12 तारीख की रात को 9 बजे वडोदरा से। सुबह 9 बजे हम दिल्ली पहुँचे 13 तारीख को। ट्रेन से इस वजह से ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि एंड मोमेंट पे प्लान में चेंजेस आए थे। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। बुकिंग कराने के वेरी नेक्स्ट डे हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, जो थी वडोदरा से दिल्ली की एयर इंडिया की। आफ्टर रीचिंग टू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हम वहां से एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए। और एयरपोर्ट पहुंच के हमें ये पता चला कि हमें अर्ली एक्सेस नहीं मिल सकता। हम सिर्फ 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट में एंटर हो सकते हैं, फ्लाइट से 4 घंटे पहले। सो बाकी का टाइम बिताने के लिए हमने पास के एक होटल में बुकिंग कराई और हम वहां चले गए। चौदह तारीख की सुबह 3:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से दोहा की, कतर एयरवेज़ की। सो हमने 13 तारीख की रात को होटल से चेकआउट किया। फ़्लाइट के करीब 4 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। वेब चेकिंग की वजह से बोर्डिंग पास काफ़ी जल्दी और इजीली मिल गया था और लगेज के वेट का भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर भी 1 से 2 किलो एक्स्ट्रा होगा तो वो लोग कोई इशू नहीं उठाएंगे, और तो और वो लोग लैपटॉप बैग को वे भी नहीं करते हैं। इसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस आता है, वो भी काफ़ी स्मूथली हो गया। बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्हें भी पता है कि सारे स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा इसी रूट से जा रहे हैं, इसी तरीके से जा रहे हैं। और इमिग्रेशन टुक हार्डली 20 to 30 मिनट्स। फिर फ्लाइट के टाइम से 1/2 घंटे पहले हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था।
Hamad International Airport is also considered as one of the most advanced and largest international airport. रेस्ट करने के लिए यहाँ पे जगह जगह क्वाइट रूम बनाए गए हैं, फीमेल्स के लिए स्पेशल, फैमिली मेंबर्स के लिए स्पेशल, मेल्स के लिए स्पेशल, इस तरह के क्वाइट रूम बनाए गए हैं जहाँ पे रिक्लाइनर टाइप की सीट्स अवेलेबल है, सोने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। दोहा एयरपोर्ट पर वेजिटेरियन फूड काफ़ी लिमिटेड अवेलेबल है, बट कतर एयरवेज़ ने ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप कोई भी शॉप पे जाके आपका बोर्डिंग पास दिखाएंगे तो 30 रियाल जितनी वैल्यू का मील आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एक ही बार वो 30 रियाल हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि फूड कोर्ट पे एक इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है जहाँ पे आप कोई भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन इंडियन फूड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो मैं रेकमेंड करूँगा सोहो कॉफ़ी। लाइन फॉर इमिग्रेशन एट अदिस अबाबा। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इथियोपिया पे आपका लगेज बहुत 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 बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। हमने कन्वेयर पे देखा कि ऑलमोस्ट 60-70% लगेजेस डैमेज थे बहुत ज़्यादा, या तो हैंडल उसके व्हील टूट चुके थे। सो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग अपना लगेज रैप करा लें और मेरे जैसी गलती ना करें। एयरपोर्ट के बाहर आते ही रिस्पेक्टिव होटल्स की शटल अवेलेबल होती है और रिस्पेक्टिव होटल्स के मेंबर आपका साइन बोर्ड, आपका नेम बोर्ड लेके खड़े होते हैं और इस तरह की शटल अवेलेबल होती है। हर एक होटल की इंडिविजुअल होती है, मगर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नॉर्म फॉलो नहीं किया जाता है। एक शटल में ठूस ठूस के बच्चे जाते हैं और उनका सामान भी ठूस ठूस के रखा जाता है। और इथियोपिया को काफ़ी सेफ़ नहीं माना जाता है, इसलिए अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने बुदासी या वॉशिंगटन या कोई भी लैब पे जाओ तो आप अपने होटल से रिक्वेस्ट करना कि आपको वो अपनी होटल की शटल अरेंज कर दे या होटल की कोई पहचान वाला टैक्सी अरेंज कर दे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इथियोपिया का ई वीज़ा का एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है और हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और काफ़ी बेसिक से इंफॉर्मेशंस मांगी जाती है। ई वीज़ा के लिए तभी अप्लाई किया जा सकता है जब हमने इथियोपिया की टिकट बुक करा ली होगी।